Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is in Node. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि D Pharma करने के बाद जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है उसे कैसे लिखते हैं. तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, लेकिन जिन लोगों के पास टेलीग्राम नहीं है उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा. तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखनी है डी फार्मा कम्प्लीट करने के बाद हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने के लिए. और हाँ, ये भी कमेंट बहुत सारा आ रहा था कि क्या मैम डी फार्मा का रिजल्ट नहीं आया, अभी ट्रेनिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके पहले ही ट्रेनिंग की जाती है क्योंकि प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लंबा होगा. अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए एग्जाम खत्म होने के बाद ही तुरंत सभी लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं और आप भी कर लोगे. और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या अगर किसी की बैक लगती है तो ट्रेनिंग की जो वैल्यू होती है खत्म हो जाएगी, फिर से करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग की वैल्यू हरदम रहेगी और ट्रेनिंग एग्जाम खत्म के बाद ही करना होता है. अगर आपके कॉलेज वाले ट्रेनिंग का लेटर नहीं दे रहे हैं तो पता करते रहिए, एक दो दिन में आ जाएगा. ओके, और फिर मिल जाएगा. ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, हम लोगों ने किया है भाई, इसलिए बता रही हूँ. ओके, तो चलिए देखते हैं कि ट्रेनिंग करने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखनी है. वो भी सीएमओ के पास जब आप अपना लेटर वगैरह जमा करेंगे और हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने जाएंगे, जब सीएमओ का लेटर लेके दोबारा से हॉस्पिटल जिस जगह आप ट्रेनिंग करेंगे उस जगह भी वही एप्लीकेशन आपको जमा करने रहेंगे. तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे लिखना है. चलिए फ्रेंड्स एप्लीकेशन देखते हैं. और ये मैंने एप्लीकेशन अपनी ही दिखाई है जैसे मैंने लिखा था, तो मैं नई एप्लीकेशन लिख सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए मैंने अपनी ही एप्लीकेशन दिखाई है आप सभी लोग को. और यहाँ पे नाम मैंने हाइड कर रखा है. इसके लिए एक कमेंट आया था, मैम आपने अपना नाम क्यों नहीं दिखाया? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नाम से अच्छा हमारा काम होना चाहिए. अगर हमारा काम अच्छा रहेगा तो नाम कामयाबी के साथ पता चल जाएगा और वो कामयाबी आप लोग हमें दिलाएंगे. तो आई होप आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे. और अब चलते हैं एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना. सेवा में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर, आप जिस जगह रहते हैं वहाँ का नाम लिखिएगा. विषय चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण लेने हेतु महोदय सादर अनुरोध करना है कि अब मैं के आगे अपना आप नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है. तो यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ दे रही हूँ और पुत्र या पुत्री जो भी हैं, पुत्री, मैं लड़की हूँ तो मैं पुत्री श्री, यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखना है आपको, यहाँ तक पूरा फादर का नेम लिखना है, ठीक है? आगे वहाँ जगह कम थी. और फिर जनपद, जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ का नाम. ओके, जैसे कि मैं कानपुर पे हूँ तो कानपुर का मैंने यहाँ पे नाम लिखा था, तो जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ का नाम. का मूल निवासी हूँ. ओके, मैंने डी फार्मा इस कॉलेज से किया है, तो यहाँ पे आपको कॉलेज का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है? कॉलेज का पूरा नेम से पूर्ण किया है, पूरा किया है. ओके, कंप्लीट किया है. अब इसके आगे इतनी जगह छोड़ के हुए आपको लिखना है PCI ब्रैकेट में ऐसे कौन के निर्देशानुसार 3 मंथ की, मतलब 590 दिन या 500 आवर्स, ये लिखा हुआ है, 500 घंटे की चिकित्सा प्रशिक्षण, मतलब हॉस्पिटल ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है. तो ये PCI के निर्देश के अनुसार ये लिखना है आपको, ठीक? और फिर लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे अपने अधीनस्थ चिकित्सा
में प्रशिक्षण लेने हेतु अनुमति प्रदान करें, करने का कष्ट करें, ओके, जिसके लिए प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा, ओके। इतना लिखने के बाद प्रार्थी जो आपका नाम है यहाँ पे नाम लिखिएगा, और जनपद जहाँ जिस जगह से हैं आप, और डेट जो भी डेट है जिस दिन आप ये एप्लीकेशन जमा करने जा रहे हैं, और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे इसलिए लिखना है क्योंकि जब आपका ट्रेनिंग लेटर बन जाएगा तो वो कॉल करके आपको बुला लेंगे, और आप भी अपना जिसको अपना आप ट्रेनिंग लेटर एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं उनका नंबर या कोई भी व्हाट्सएप नंबर कुछ भी ले लीजिएगा, और उनसे बीच बीच में पूछते रहिएगा कि सर क्या मेरा हो गया है, और रिक्वेस्ट करिएगा कि सर प्लीज़ मेरा जल्दी से काम कर दीजिए, ओके। तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन लिखना समझ में आ गया होगा, और इसको मैं एक बार क्लियर दिखा देती हूँ आप लोगों को। आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोगों ने लिख लिया होगा, और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। और भी किसी भी टॉपिक्स की वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।